गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। इलेवेंथ क्लास का मेरा जो टॉपिक है वो है आज का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर डाइपोल मोमेंट को काफ़ी डेप्थ से देखा था। उसके अलावा आपने देखा फिजांस रूल, इट टेल्स अस अबाउट द परसेंट आयनिक करेक्टर इन गिवन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन आज। सबसे पहले तो बात ये आती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर और लंदन ने इसको दिया था, पर वो कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, प्रपोज नहीं कर पाए। देन उसको आगे डेवलप किसने किया था, पॉलिंग ने किया था। और पूरी जो कंसेप्ट थी वो किसने दी थी, पॉलिंग ने दी थी। तो फाइनली अगर आपको बोलना पड़े हु गेव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन यू हैव टू से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज गिवन बाय द पॉलिंग। ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट जो है, लेविस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डज नॉट एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। सॉरी, ये लिखा हुआ है, लेविस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बट इट डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है, लेविस कॉन्सेप्ट नहीं कहती कि मॉलिक्यूल किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, किस तरीके से बनेगा, मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड है वो किस तरीके से होगा, या फिर उसकी प्रोसेस है वो किस तरीके से होगी, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है ना, तो लेविस स्ट्रक्चर ओनली गिव द इंडिकेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज़ दैट वॉज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड थी, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम मस्ट हैव टू कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, दैट विल बी द बेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ ईच एटम। इसका एक ही टारगेट था, हर एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। बहुत सारे एक्सेप्शन था, इसके बाद में थ्योरी फेल हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, सबसे पहली बात तो ये पूछी जाती है कि ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है। सबसे पहली लाइन तो यही होती है ना, ऑन विच प्रोसेस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ बेस्ड। देन आपको ये बोलना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग प्रोसेस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ओवरलैपिंग पे बेस्ड है। सबसे पहली बात आती है, ओवरलैपिंग क्या होती है। देखो, दो एटम्स हैं आप लोगों के पास में, दो एटम्स है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। जब ये एटम दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो कॉन्टैक्ट में आते टाइम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कॉन्टैक्ट में आते टाइम इसमें भी न्यूक्लियस होगा और इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दोनों के न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के आपस में कॉन्टैक्ट में आ गई तो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। इसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर कॉन्टैक्ट में आ गई तो भी इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। व्हेन टू एटम्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर या आर कॉन्टैक्ट इन ईच अदर, देन टू टाइप्स फोर्सेज आर फील्ड बाय देम। फर्स्ट वन, ए फोर्स अप्लाइड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन फोर्स। इट पुश आउट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अवे, सो द एटम्स डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर। रिपल्सन अगर स्ट्रॉन्ग है तो एटम्स को क्या करेगा, वो बाहर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा और अलग हो जाएंगे। बट उसी टाइम में अगर कोई भी दो एटम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को, कि अगर उनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके बीच में हो तो ये फास्टली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं। और पास आते टाइम इनका कुछ रीजन एक दूसरे को ओवरलेप कर जाता है, कुछ एरिया एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाता है। ये जो जुड़ने की जो प्रोसेस है, एक के ऊपर एक का जुड़ना जो है पास आते टाइम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। इस फिनोमिना पे बेस्ड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब एटम्स पास पास आते हैं, दो तरह के फोर्स हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। दोनों में से अगर अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव है तो दोनों एटम्स फास्टली पास में आते हैं, और पास आते टाइम उनका कुछ रीजन एक दूसरे को क्या कर लेता है, ढक लेता है ना। और ढकने से क्या होगा, जो ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है उस रीजन को अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है ना, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं उस चीज़ को अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग।
तो सबसे पहली लाइन मैंने आपको ये बताई है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। इतनी समझ आई। इसके बाद में देखो, व्हेन टू एटम्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देर वैलेंस सेल ओवरलैप एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, जब दो एटम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो बाहर वाला शेल है वो एक दूसरे के क्या आएगा, आपस में टच करेगा, और आपस में टच करते टाइम उनके अंदर क्या होगा, मैंने यही तो बताया कि जब ओवरलैपिंग होती है तो कुछ रीज़न, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, जब आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कुछ ना कुछ रीज़न इनका ऐसा होगा जो आपस में कॉन्टैक्ट करेगा, तो ये जुड़ने वाला जो एरिया है वो हमेशा बाहर वाले सेल का होगा। कॉमन सी बात है, क्योंकि बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो व्हेन टू एटम्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके अंदर क्या होती है, दोनों एटम्स सेम नेचर के इसलिए एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, और जिस रीजन में ये ओवरलैप होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा इवन नंबर होता है, या तो 2 या 4 या 6 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वहाँ पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो उस ओवरलैप रीजन के अंदर क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पहला पॉइंट समझ में आया कि जब दो एटम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आउटर मोस्ट सेल एक दूसरे को क्या करता है, ढक लेते हैं, और उस रीजन को अपन बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन। और ये प्रोसेस होती है ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग की वजह से उसमें क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के लिए दोनों एटम्स के अंदर ओवरलैपिंग होना जरूरी होता है। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रॉय इन ओवरलैपिंग, कि देखो जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनके बीच में एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया आपको कि जब दो एटम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में दो तरह के फोर्स होते हैं, कभी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक दूसरे के क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, कभी अट्रैक्शन ज़्यादा कभी रिपल्सन ज़्यादा। तो ये जो मेंटेनेंस होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की जो मेंटेनेंस होती है, इन दोनों के अंदर क्या होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। और एनर्जी डिस्ट्रॉय होने से मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय इन ओवरलैपिंग, सो मॉलिक्यूल बिकम्स मोर स्टेबल। ओवरलैपिंग की प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अगला क्या है, इन ओवरलैपिंग ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट आफ्टर इन ओवरलैपिंग ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट, कि ना जब ओवरलैपिंग होता है उसके अंदर सिर्फ वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आफ्टर ओवरलैपिंग बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अपोजिट स्पिन, और जब दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, जिस एरिया में वो कॉन्टैक्ट करेंगे, जिस तरीके से, यानी एक एटम है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कॉन्टैक्ट में आते टाइम उनका इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस हैं, उनके बीच में रिपल्सन भी होगा, लेकिन एटम्स के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन इफेक्टिव है। तो उनके बीच में जब ओवरलैपिंग हो रही होती है उस प्रोसेस के टाइम में इलेक्ट्रॉन का फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता जितना फोर्स से वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप करते टाइम उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए हमेशा अपोजिट स्पिन के अंदर क्या हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। तो हाफ फील्ड के इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि एक एटम ये था और एक एटम ये, जब आपस में इसका इलेक्ट्रॉन इस स्पिन में इसका इसमें आएंगे एक दूसरे के पास में, या फिर दोनों के सेम स्पिन में, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इनके अंदर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन रोटेट होगा और उस रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो जिस तरीके से ये ओवरलैप करेंगे, एक का रीजन अपोजिट स्पिन है तो दूसरे का क्या होगा, लोअर स्पिन में होगा, ताकि उनके बीच में रिपल्सन नहीं रहे। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है, फर्स्ट पॉइंट तो यही लिया है कि व्हेन टू एटम्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन वैलेंस सेल ओवरलैप, कि जब दो एटम्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनका आउटर मोस्ट सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड है कि जो ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है, जिस एरिया में वो कॉन्टैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग के अंदर एनर्जी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और एनर्जी डिस्ट्रॉय होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। थर्ड हमने देखा है कि ओवरलैपिंग में सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ओवरलैपिंग के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ओवरलैपिंग के टाइम में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट स्पिन के अंदर मैनेज रहते हैं।
ठीक है ना। अपोजिट स्पिन मैनेज रहने का रीज़न ये होता है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम चार्जेस, सो दे हाईली रिपेल टू ईच अदर। टू मेंटेन दिस रिपल्सन दे इजीली मैनेज इनटू अपोजिट स्पिन, कि जिस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के सेम चार्जेस होने की वजह से वो स्ट्रांगली रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उस रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए, है ना, उस रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए वो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में होते हैं। इसलिए मैंने ये नहीं कहा है कि उनका रिपल्सन बंद हो जाता है, नहीं, रिपल्सन मेंटेन हो जाता है क्योंकि उनके स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसलिए वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट स्पिन में मेंटेन रहेंगे ताकि जो बनने वाला बॉन्ड हो वो स्टेबल हो सके। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। अगला देखो, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन ओवरलैपिंग मैनर। देखो ये बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन ओवरलैपिंग मैनर, इसका मतलब ये होता है कि जो ओवरलैपिंग है ना वो कितना स्ट्रांगली होगी वो उसके मैनर पे डिपेंड करती है किस तरीके से होगी। देखो जैसे मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल ये है, एक ये है, अगर ये आकर के दोनों इस तरीके से मैच करते हैं, है ना, इसका भी डायरेक्शन ये था और इसका भी ये था, यानी इस एक्सिस पे कर रही है, ये भी इस एक्सिस पे आ रहा है और ये भी इस एक्सिस पे आ रहा है, इस तरीके से एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आएंगे, देन तो बोलते हैं अपन इनकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है क्योंकि इसका फेस और इसका फेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। बट अगर ओवरलैपिंग की प्रोसेस इस तरीके से हो, एक एटम ये है, एक एटम ये ऊपर से झुक करके कॉन्टैक्ट में आए और ये नीचे से झुक करके कॉन्टैक्ट में आए, इस तरीके से एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनके झुकने की प्रोसेस एक तरफ ये हो, दूसरी तरफ सेम इधर, यानी कि ये डायरेक्टली नहीं मिल करके, जब दो ऑर्बिटल्स, जैसे एक ऑर्बिटल ये था, एक ऑर्बिटल ये था, जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करने आ रहे हैं, तो अगर ये इसी डायरेक्शन में आए तो ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगा, लेकिन अगर यही ऑर्बिटल्स इस मैनर में प्रेजेंट हो और फिर कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो इस तरीके से मैच करते हैं, तो ये इधर झुक करके, ये इधर झुक करके मिल पाते हैं और ये इधर झुक कर ये इधर, तो इनका आने का डायरेक्शन क्या होगा, एक तो साइड से आ रहे हैं या फिर एक ही दिशा से आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग किस मैनर से हुआ है, एक सेम एक्सिस से हुआ है या डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस से हुआ है। सेम एक्सिस से होने पर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है और लेटरल या साइड वाइज होने से क्या होती है, क्विक ओवरलैपिंग क्रिएट होती है, जो क्या हो जाती है, टूट जाती है इजीली। ये थीम है, वैसे पढ़ चुके अपन, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हेन टू एटम्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन दे फील टू टाइप्स फोर्सेस, फर्स्ट वन विच इज़ अप्लाइड बिटवीन द बोथ न्यूक्लियस एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स। पहला वो जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो या फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन फोर्स, मे बी आइदर बिटवीन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में होगा या फिर किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रेजेंट होगा, उसको अपन बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। सेकंड, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस या इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, देन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह के फोर्स प्रेजेंट करते हैं व्हेन टू एटम्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे फील टू टाइप्स फोर्सेज इफ अट्रैक्ट टू टाइप फोर्सेज इफ अट्रैक्शन फोर्स इज डोमिनेंट on repulsion then bond form between both atoms during this required energy is called bond enthalpy। देखो क्या लिखा है सबके अंदर, सबसे पहले ये आती है कि दोनों के बीच में दोनों तरह के फोर्स प्रेजेंट है, इन दोनों फोर्स का अगर मेंटेनेंस रहेगा तो एटम अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगे, अगर इनमें से रिपल्सन इफेक्टिव होगा देन एटम विल बी डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर चले जाएंगे, इफ़ द अट्रैक्शन इज इफेक्टिव देन एटम्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कि अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा एटम्स पास पास आएंगे, रिपल्सन इफेक्टिव होगा एटम्स दूर दूर जाएंगे, दोनों मेंटेन्स रहेगा तो अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगे। हमको क्या पढ़नी है, बॉन्डिंग की सिचुएशन पढ़नी है, तो जब दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव हो किस पे, रिपल्सन पे, तो दोनों एटम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उस कॉन्टैक्ट में आते टाइम क्या होगा, उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये हमने देख लिया बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, क्योंकि उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी फिर बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने से क्या होगी उसके बीच में एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग की प्रोसेस एनर्जी पे बेस्ड थी, एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। देखो एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था पॉलिंग ने इसको, इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी
है ना, रिलीज्ड एनर्जी एंड इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। जब दो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, वो स्टेबल नहीं है, उनकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। जब दो एटम्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो उनकी एनर्जी हाईएस्ट है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे उसका इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है और उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो इस प्रोसेस के टाइम में दूर से पास आने की प्रोसेस जिसको ओवरलैपिंग बोलते हैं अपन, उस प्रोसेस के अंदर एनर्जी वेस्ट हो जाती है और एनर्जी का जो लेवल है वो गिर करके कहाँ जाता है, लोवेस्ट लेवल पे आ रहा है, ठीक है ना। एनर्जी का लेवल लोवेस्ट लेवल पे आ रहा है, इसका मतलब जब दोनों एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। या फिर आप बोल सकते हो जब दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था तो उनकी एनर्जी हायर थी, जैसे जैसे उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक है, कम होता जाएगा तो उनके बीच की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी, हाँ यहाँ पे उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है इसलिए उसकी एनर्जी लोवेस्ट है। उसके बाद में जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, वापस से उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को डिपार्ट कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो उनकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है कि एनर्जी की उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है। तो ओवरलैपिंग की, उसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो आती है ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा था कि किस मैनर के अंदर वो एटम्स एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के अंदर क्या है, ए प्रोसेस इन विच टू ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विद ईच अदर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि जब दो एटम्स एक दूसरे को इंटरमिक्स करते हैं या फिर एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं ना, ए प्रोसेस इन विच टू ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विद ईच अदर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे मैनेज इन अपोजिट स्पिन, कि एक प्रोसेस जिसके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम्स एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आए, जिसके अंदर वो अपोजिट स्पिन के अंदर मैनेज हो जाते हैं उस इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। ए कॉमन एरिया बिटवीन टू एटम्स एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड प्रेजेंट इस कोल्ड ओवरलैपिंग रीजन। तो देखो ओवरलैपिंग की अपन ये देखिए, दो एटम्स के बीच का वो एरिया है ना, दो एटम्स के बीच का वो एरिया जहाँ पे क्या हो, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए और दोनों आपस में ऐड होने के बाद में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैनेज हो जाते हैं, किसके अंदर, अपोजिट स्पिन के अंदर मैनेज हो जाते हैं। तो वो कॉमन एरिया जहाँ पे अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, ओवरलैपिंग रीजन बोलते हो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग रीजन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग का रीज़न होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे हमने टू एटम्स लाइक हमने एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन का वन एटम है, दूसरा एटम है, जब ये एटम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो इनके कुछ एरिया एक दूसरे को क्या कर रहा है, ढक रहा है। जो एरिया एक दूसरे के पूरा फुल एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं उस एरिया को अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जहाँ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उस रीजन के अंदर उनके बीच में है ना, दोनों की सेम नेचर की वजह से, ठीक है, जिस एरिया के अंदर ये कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से है ना, दोनों नेचर के सेम है, इस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये होती है ओवरलैपिंग की प्रोसेस, ठीक है। ओवरलैपिंग की जो प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है लेटरल ओवरलैपिंग, है ना। लेटरल ओवरलैपिंग या फिर उसको आप बोल सकते हो साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल को ही हम साइड वाइज बोलते हैं, ठीक है। तो लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग सेम एक्सिस और अलोन द एक्सिस, कि जब जो दो ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करने वाले हैं वो अगर सेम एक्सिस से आकर के है ना, जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से सेम एक्सिस में आकर के ओवरलैप होते हैं या अलोन द एक्सिस आकर के ओवरलैप होते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम एरिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है इसलिए ये बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम एरिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है इसलिए बहुत इफेक्टिव होती है और इट रिजल्टेड एज द सिग्मा बॉन्ड। इससे किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहली बात पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग, विच बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप बाय एक्सियल मैनर या फिर व्हेन टू ऑर्बिटल्स कॉन्टैक्ट बाय एक्सियल ओवरलैपिंग दे रिजल्टेड सिग्मा बॉन्ड,
या सिंगल बॉन्ड की, उनसे सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। मोर इफेक्टिव इसलिए होती है कि बहुत सारा एरिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है। इसलिए कैसे होगा, फर्स्ट जैसे एसएस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जैसे सेकंड चैप्टर में अपन ने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, एफ, इनकी, एफ की तो आप लोगों के सिलेबस में ही नहीं है, आपके क्या एमएससी तक ही नहीं आता है एफ ऑर्बिटल, तो उसकी स्ट्रक्चर वगैरह तो आप ध्यान रखोगे। एस, पी, डी, इनके बीच में किस किस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, तो एस ऑर्बिटल की शेप का होता है राउंड शेप का होता है, जब भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे इस तरीके से ओवरलैपिंग की प्रोसेस होगी इनके बीच में, तो इसको अपन बोल रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल। और इसी के साथ में आ रहा है पी ऑर्बिटल, जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनका ये रीजन एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करेगा, इसको बोलते हैं एस पी ओवरलैपिंग। इससे भी किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन है पी ऑर्बिटल, देखो पी भी इसी एक्सिस पे है और दूसरा पी भी इसी एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे आ रहे हैं एक दूसरे से, इस एक्सिस को बोल रहे हो ना, इसी के अलोंग ये वाला है, इसी के अलोंग ये, सेम एक्सिस पे आ रहे हैं, तब इन दोनों के बीच में भी कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन बोथ ऑर्बिटल्स कम्स टुवर्ड्स अलोंग द सेम एक्सिस। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।